लव गुरु अजमेर वाले यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं दोस्तों। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है अपने हस्बैंड को अपना गुलाम कैसे बनाएं, अपने हस्बैंड को गुलाम बनाने के उपाय। दोस्तों अगर आप चाहती हैं कि आपका पति आपका गुलाम बन के रहे तो आज की मेरी यह वीडियो आपके लिए है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने पति को अपना गुलाम कैसे बना के रख सकती हैं। दोस्तों पति और पत्नी हमेशा एक दूसरे के सहायक होते हैं, वे दोनों प्रत्येक काम को मिलजुल कर करते हैं। पत्नी हमेशा ही अपने पति को अपने प्यार के बंधन में बांधे रखना चाहती हैं। अगर पति अपनी मनमानी करता है, उनकी बात नहीं सुनता और अपनी पत्नी से दूर रहने लग जाता है, या फिर वे अपनी पत्नी की कोई बात नहीं मानता और ना ही उसे प्यार करता है, जिससे कि उसकी पत्नी काफ़ी अधिक परेशान हो जाती है और वह पति अपने पति को अपनी बात मनवाने के लिए अपने पति को अपना गुलाम बनाकर रखने का प्रयत्न करती रहती है, जिससे वह अपने पति को अपनी वश में कर सके। लेकिन सभी महिलाएं यही चाहती हैं कि उनका पति उनसे बहुत प्यार करे, उनका ख्याल रखे और उनका सम्मान करें। वहीं दूसरी ओर पति भी हमेशा अपनी पत्नी को खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन किसी न किसी कारण से उनका प्यार बट जाता है। ऐसे में कई बार पति पत्नी के बीच कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है, जिसके कारण उनका प्यार एक दूसरे के प्रति कम होने लगता है। ऐसा कई बार पति पत्नी के बीच सौतन का आना या फिर सास के बुरे बर्ताव की वजह से पति का दुर्लभ व्यवहार, इन सभी दोषों की वजह से पत्नियाँ काफ़ी ज़्यादा दुखी रहती हैं कि उनको पति उनकी एक बात तक नहीं सुनता, उनको बात बात पर इग्नोर करता है। इसलिए वो चाहती हैं कि उनका पति उनके वश में रहे, उनके कहीं अनुसार चले। तो आज के इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप भी उन्हीं महिलाओं में से हैं, अगर आप भी चाहती हैं कि आपका पति आपका गुलाम बन के रहे, आपकी हर बात माने, आपके कहे अनुसार चले, अगर आपका पति आपकी अपनी मनमानी करता है तो आप चाहें कि आपका पति आपकी सुने, आप जो कहें आपका पति आपके लिए करे, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ एक सोलेट और ज़बरदस्त टोटका, जिसका इस्तेमाल करते ही आपका पति आपके इशारों पर नाचेगा। आपको करना क्या है जान लेते हैं। आपको रात को सोते समय पत्नी अपने पति के तकिए के नीचे एक सिंदूर की पुड़िया और पत्नी अपने तकिए के नीचे कपूर की पुड़िया रख दे, और सुबह सिंदूर की पुड़िया को निकाल कर घर के बाहर फेंक दे और कपूर को निकाल कर उसी कमरे में जला दे। यह प्रयोग आपको किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष में करना है। 7 दिन तक आप इस टोटके को अपनाएं, 100% आपका पति आपकी बात मानेगा, आपको थोड़े थोड़े फ़र्क नज़र आने लगेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।